नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक विधायक पृथ्वीराज मीणा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेनी चाहिए। इसके साथ ही विधायक पृथ्वीराज मीणा ने डिप्टी सीएम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य में सभी 25 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ेगा और पड़ा, और उसके बाद से पार्टी में खेमेबाजी और खींचतान चल रही है। तोड़ाभीम सीट से कांग्रेस विधायक मीणा ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कहा, जब पार्टी सत्ता में होती है तो हार की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, और अगर पार्टी विपक्ष में होती है तो ये जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष की रहती है। इसके अलावा उन्होंने कहा, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मीणा ने कहा कि वो ये बात पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पार्टी उन्हीं के कारण जीती है। मैं तो जब मैंने बात ये कहा था कि सचिन पायलट सीएम बनना चाहिए, उसका कारण मेरे में सचिन पायलट जिसकी वजह से बहुमत आया था, उसकी वजह से मैंने बोला था कि सचिन पायलट सीएम बनना। युवा आदमी सीएम बनता है तो कुछ करता। पहले सीएम बने थे वो अशोक जी, एक बार 56 आई, एक बार 21 आई, तो देखना जी क्यों बना रहे हैं। प्रबंधन को भी देखना चाहिए कि ऐसे किसी आदमी को सीएम बनाया जाता है जिसकी वजह से वोट मिले, जनता को भी कुछ ऐसा लगे जिससे कुछ अपेक्षा है।